दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक, आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये जो मेरा वीडियो है आज का, वो निमी की किताब में से है और हमारा जो ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक चैप्टर है मेंसुरेशन, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल हैं, उसके अंदर क्षेत्रफल और आयतन में बहुत सारे चित्र होते हैं। तो आज मैं जो आपको निमी की किताब के अंदर से रेक्टेंगल यानी आयत के ऊपर जो उसकी थ्योरी है, उसके क्षेत्रफल है, परिमाप है, विकर्ण है और उसके उदाहरण है और उसके सवाल है, जो इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जो जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ उससे भी बना चुका हूँ। तो निमी की किताब के अंदर एक खासियत यह है कि यहाँ पे जो सवाल होते हैं वो चित्र सहित दिए होते हैं और साथ में इसके अंदर जो सवाल होते हैं वो एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। करीब 90% तक इस किताब में से ही सवाल आते हैं, तो इस किताब में से पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इसकी जो थ्योरी है, वो समझाने की जो तरीका है या जो भाषा है, वो थोड़ी सी कठिन है। इसलिए जो है, आप अगर मेरी जिस किताब से पढ़ाता हूँ उससे अगर उसके वीडियोज को देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल, दिस इज ए फोर साइड फिगर, यानी कि इसके अंदर चार भुजाएं होती हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री, यानी कि जो नज़दीक की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे झुक होती हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि रेक्टेंगल की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो फोर साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और 90 डिग्री के ऊपर होती हैं, और इनके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, लेकिन इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो वो वर्ग कहलाता है। तो इसको हम आयत के अंदर ये समझेंगे कि हमारी जो चारों भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन समानांतर होंगी। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है उसके अंदर पहला सूत्र है एरिया का। एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि एक इसके अंदर दो भुजाओं के अंदर एक लंबी होती है एक छोटी होती है। जो लंबी होती है उसको लंबाई कहते हैं, छोटी होती है उसको विड्थ कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ इसको एल इंटू बी, और इसकी इकाई होगी वो मीटर सेंटीमीटर इंच में जो भी है वर्ग के अंदर होगी। इसके बाद है पैरामीटर, पैरामीटर यानी परिमाप। परिमाप होता है 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और यूनिट इसके अंदर मीटर सेंटीमीटर इंच में हो सकती है। डायगोनल जो होता है, विकर्ण जो होता है, वो इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर को जोड़ने के बाद इसका रूट निकालने पर हमारे पर विकर्ण निकल के आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द एरिया पैरामीटर एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 144 and 60 mm रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी जो दो भुजाएं हैं उसके अंदर 144 इंच लंबाई हो जाएगी और 60 इसकी चौड़ाई हो जाएगी आयत की। तो इसके अंदर जो एरिया है वो एल इंटू बी होता है, तो 144 को 60 से गुणा करेंगे तो 8640 हो जाएगा। और क्योंकि इसकी यूनिट हमारी यहाँ पे मिलीमीटर दे रखी है, इसलिए ये वर्ग मिलीमीटर में आएगा, क्योंकि एरिया जब किसी भी आकृति का एरिया निकाला जाता है तो उसकी जो इकाई होती है वो वर्ग में ही आती है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप का, कि जो हमारी आकृति है उसकी सभी भारी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। तो आयत के अंदर पैरामीटर होता है वो 2 × L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके जब 2 से गुणा कर देते हैं तो वो पैरामीटर हो जाता है। तो यहाँ पर एल का मान 144 रखेंगे और चौड़ाई का मान 60 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे ये आएगा 204 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 408 mm आएगा, जो हमारे यहाँ पर परिमाप या पैरामीटर है। इसके बाद डायगोनल निकालने के लिए हम जानते हैं कि रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, उसको जोड़ देते हैं तो हमारे, और जो संख्या हमारे जोड़ के आती है उसका रूट निकालते हैं तो वो हमारा डायगोनल में निकल के आ जाता है। तो यहाँ एल का मान 144 रखेंगे, बी का मान 60 रखेंगे, 144 का स्क्वायर 20,736 और 60 का स्क्वायर 3600 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 44,336 का जब रूट निकालेंगे तो ये 156 mm आएगा, जो कि यहाँ पर आयत का जो है विकर्ण कहलाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण इसके अंदर दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ इज इक्वल टू 42, यानी कि हमारे एक जो रेक्टेंगल है आयत है उसका जो पैरामीटर 42 दे रखा है। इफ़ इट इज ब्रिथ इज 9 mm फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर उसकी चौड़ाई हमारे को 9 cm दे रखे तो उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो पी हमारा 42 हो जाएगा, बी हमारा 9 हो जाएगा और एल हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर जो होता है यहाँ पे आयत का होता है पी 2 L + B। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस पी का मान 42 है, तो जब L का मान निकालना और बी हमारे को 9 दे रखा है तो बी की जगह 9 रख देंगे। अब 42 में जब 2 का भाग देंगे तो 21 आएगा, तो ये L + 9 = 21, तो L बराबर निकालने के लिए 21 में से 9 घटाएंगे तो वो 12 cm आ जाएगा। तो हमारे को लंबाई 12 हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 9 cm दे रखी है।
इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो इसके अंदर चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा दे रखी है जबकि उसका पैरामीटर हमारे को 48 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर 48 है, बी हम मान लेते हैं एक्स है, तो लेंथ हमारी एक्स प्लस 4 जाएगी। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि पैरामीटर होता है 2l प्लस b बराबर पैरामीटर, तो पैरामीटर का मान 48 रखेंगे, l का मान यहाँ पे हम x प्लस 4 रखेंगे, b का मान x रखेंगे, तो ये टोटल 2x प्लस 4 हो जाएगा। दो का अंदर गुणा करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, 4 का ये 8x हो जाएगा, तो 4x प्लस 8 बराबर 48, जिसमें 8 हम इधर भेज देंगे तो 4x बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 40 बटे 4 हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास 10 आ जाएगा, और x का मान जो है हमारा विड्थ है, तो विड्थ हमारी 10 सेंटीमीटर होने की वजह से लेंथ हमारी x प्लस 4 बराबर 10 प्लस 4 बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही हमारा इसके अंदर उत्तर होगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, हाउ मनी रेक्टेंगल पीसेज ऑफ 50 इंटू 20 सेंटीमीटर कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द शीट ऑफ 1000 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें एक सवाल दे रखा है कि एक हमारे पास बड़ी सारी शीट है जिसकी लंबाई 1000 सेंटीमीटर और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर, तो इसमें से 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के आयताकार टुकड़े कितने काटे जा सकते हैं, तो हमको नंबर ऑफ पीसेज निकालने हैं। तो यहाँ पर शीट की जो साइज़ है वो 1000 सेंटीमीटर बाई 500 सेंटीमीटर है, तो साइज़ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस टू बी कट जो है हमारे पास वो 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हमारी नंबर ऑफ पीस टू बी कट इन लेंथ वाइज, अगर लेंथ वाइज काटते तो 1000 बटे 50 बराबर 20 हमारे पे लेंथ आएंगी, और नंबर ऑफ पीसेज टू बी कट इन द विड्थ वाइज, यानी कि चौड़ाई इसके हिसाब से काटे तो 50 बटे 20 बराबर 25 आएंगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल नंबर ऑफ पीसेज टू बी कट हो जाएगा हमारा 20 इंटू 25 बराबर 500, 20 इंटू 25 बराबर 500 हमारे पीस हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 320 मीटर, यानी कि हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है उसका परिमाप को 320 मीटर दे रखा है। इट्स साइड्स आर इन द रेशो 5:3, यानी कि उनकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे रेशो दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई का 5:3, तो अगर लेंथ मान लीजिए हम 5x मान लें, और मान लीजिए हम लेंथ यहाँ पे जो है 5x मान लें और विड्थ हम यहाँ पे 3x मान लें, उस कंडीशन में हम जानते हैं कि पैरामीटर बराबर होता है 2l प्लस b, तो यहाँ पर l बराबर 5x रख देंगे और b बराबर 3x रख देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 8x। तो यहाँ पर 320 में जब 2 का भाग देंगे, सॉरी 8 × 16 हो जाएगा ये, 8 × 16, तो 320 में जब 16 भाग देंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा हमारे पास। x का मान यहाँ पर l बराबर 5x में x का मान 20 रखने पर ये 100 हो जाएगा, और 3x b बराबर 3x में x का मान 20 रखने पर ये 60 मीटर हो जाएगा, और एरिया हमारे जो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 100 × 60 बराबर 6000 मीटर वर्ग मीटर उत्तर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको इसकी इसकी जो क्षेत्रफल पैरामीटर और डायगोनल से रिलेटेड सूत्र और उसके उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। अब हम जो इसके नेवी की किताब में असाइनमेंट दे रखे हैं, इसके अंदर हमको 7 सवाल दे रखे हैं, तो हम एक एक सवाल को लेते जाएंगे, उसको करेंगे, तो देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट हुज साइड्स आर 24 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट, यानी कि फाइंड द एरिया, यानी कि एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, आयत का, प्लॉट का, जिसकी साइड हमारे को 24 मीटर और 20 मीटर दे रखी है, और उसका पैरामीटर भी हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आयत की जो भुजा हमारे को दे रखी लंबाई 24 मीटर है, आयत की चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये एक चित्र दे रखा है जो एक आयत का चित्र है, ये हमारी लंबाई होगी और ये हमारी चौड़ाई होगी, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसको 2l प्लस b भी कह सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल a हो जाएगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होने पर l इंटू b, तो लंबाई 24 और चौड़ाई 20 रखने पर 480 वर्ग मीटर आ जाएगा, इसको हम मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आयत का परिमाप निकालना है p, तो हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई बराबर 24, चौड़ाई बराबर 20 रखने पर ये 44 आ जाएगा, 2 से गुणा करने पर ये 48 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा परिमाप होगा, और ये आयत का उत्तर, परिमाप का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर दो है, हाउ मनी रेक्टेंगल पीसेज ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विल बी गेट आउट ऑफ 65 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर ब्रास शीट। इस मतलब सवाल ये है कि 65 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर की जो हमारी ब्रास शीट है, इसमें से अगर हम 5 बाई 4 सेंटीमीटर के टुकड़े काटेंगे तो कितने हमारे रेगुलर पीस काटे जा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, चित्र में हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो चौड़ाई हमारी यहाँ 30 दे रखी है, लेकिन जो हमारा पीस जो काटना है वो हमारा 5 बाई 4 का होगा। तो हम इसके अंदर जो चौड़ाई है वो 28, 30 में जब 4 का भाग दें तो वो पूरा पूरा नहीं जाता, यानी कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के चौड़ाई के हिसाब से केवल 7 पीस ही काटे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं काटे जा सकते क्योंकि उनकी चौड़ाई पूरी नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ केवल 7 ही कट लगाएंगे। और इसी तरह अगर इसकी लंबाई में देखते हैं तो वो हमारे 65 के अंदर जब हम 5 का भाग देते हैं तो 13 ही पीस कटेंगे। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास पीस होंगे वो 13 × 7 के बराबर होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि ब्रास की शीट की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, में से आयताकार शीट की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर के केवल 7 टुकड़े ही पूरे काटे जा सकेंगे, तथा ब्रास की शीट की लंबाई 65 में से आयताकार टुकड़े की लंबाई की 13 पूरी स्ट्रिप काटी जा सकेंगी। इसलिए 65 बाई 30 की पूरी शीट काम में नहीं आ सक कर केवल 28 बाई 65 की ही शीट काम में आएगी। अतः आयताकार टुकड़े की जो संख्या होगी वो ब्रास शीट का जो क्षेत्रफल है वो बटे में एक टुकड़े का क्षेत्रफल 28 बाई 30 की जगह 65 बाई 30 की जगह 65 बाई 28 लेंगे और नीचे 5 बाई 4 लेंगे तो 5 से 65 13 बार कट जाएगा और 4 से 28 7 बार कट जाएगा। 13 7 हमारे पास 91 टुकड़े आ जाएंगे जो इसमें से पूरे और मैक्सिमम काटे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ब्रिथ एंड एरिया इफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 400 मीटर एंड लेंथ इज 140 मीटर। ये कह रहा है सवाल के अंदर, फाइंड द ब्रिथ यानी कि चौड़ाई एंड एरिया यानी कि क्षेत्रफल इफ यानी कि यदि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो पैरामीटर वो 400 मीटर दे रखा है और उसकी लेंथ जो है हमारे यहाँ पे 140 मीटर दे रखी है। तो सवाल हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिथ हमको निकालनी है, एरिया हमको निकालना है, पैरामीटर हमारे पास 400 है, लेंथ हमारे पास 140 है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा पैरामीटर 400 हो गया, 2 यहाँ रख देंगे, लंबाई हमारे को निकालनी है, लेंथ हमारे को दे रखी है 140 तो रख देंगे और बी हमारे को निकालनी है। तो 2 हमारा 400 के नीचे चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 200 बराबर 140 प्लस बी। तो बी निकालने के लिए 140 को जब इधर ले जाएंगे तो ये 200 में से कट जाएगा तो ये 60 मीटर आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद हमारा आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई टू चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारे पास 140 है, चौड़ाई हमारे पास 60 है, तो 140 को जब 60 से गुणा करेंगे तो ये 8400 वर्ग मीटर या जिसको कि मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इफ द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 64 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आयत की हमारे को 2 रेखाएँ दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं जो 64 और 25 सेंटीमीटर की हैं, तो उसका हमको एरिया निकालना है। तो सीधा हमारा सूत्र लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4, आयत का जो क्षेत्रफल है होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमारी 64, चौड़ाई हमारी 25, तो एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी बराबर 64 × 25 बराबर 1600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा 5वां सवाल, वाट इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इफ रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 224 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है विड्थ पूछी जा रही है रेक्टेंगल की और उसका जो है एरिया दे रखा है 224 वर्ग सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ जानते हैं आयत की चौड़ाई हमको यहाँ निकालनी है, या आयत का क्षेत्रफल ए बराबर 224 है, आयत की लंबाई हमारे पास एल बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 224 जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा। लंबाई क्षेत्रफल का मान 224 रखेंगे, लंबाई 16 रखेंगे, चौड़ाई हमारे को निकालनी है, तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई।
क्योंकि जो संख्या का मान निकालना होता है उसके साथ की जो संख्या होती है वो अपोजिट साइड की, यानी कि बराबर के अपोजिट में जो संख्या होती है उसके भाग में चली जाती है। ये हमारा इसका नियम होता है पक्षांतर करने पर। तो 224 में जब 16 का भाग देंगे तो ये आएगा 14, तो ये 14 हमारी जो आयत का जो है चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जो लंबी होती है वो लंबाई कहलाती है और जो छोटी होती है वो चौड़ाई कहलाती है। 14 हमारी यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल विद ए साइड 16 एंड 12। तो यहाँ पर एक डायगोनल मतलब विकर्ण हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। आयत का एक विकर्ण निकालिए जिसकी भुजा 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आयत का विकर्ण डी हमें निकालना है। लेंथ हमारे पास 16 है, चौड़ाई हमारे पास 12 है। उसके अंदर यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया है, एक ये आयत है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है, ये विकर्ण है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार विकर्ण जो हमारा होता है, विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमारे लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी एल बराबर 16 है, बी बराबर 12 है। जब 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि डी स्क्वायर बराबर 400, तो डी बराबर रूट 400, तो डी बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे सवाल में विकर्ण का मान होगा, जो कि हमारा उत्तर भी है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और प्रश्नावली का, फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ इज 3.5/2। ये सवाल में कह रहा है कि फाइंड द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकालो रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप हमारे पास 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रिथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके अंदर आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। आयत का परिमाप हमारे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर, जो कि होता है हमारे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर, जैसे हमने पहले भी देखा। तो 100 में जब 2 का भाग देंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई का प्लस के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हमारे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा है। माना लंबाई हमारी 3x है और चौड़ाई हमारी 2x है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये वैल्यू है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 3x + 2x बराबर 50 हो जाएगा। तो 3 और 2 को 5 जोड़ेंगे तो 5x = 50, तो x = 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उस कंडीशन में x का मान 3x और 2x में रखने पर लंबाई 3x = 3×10 = 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2x = 2×10 = 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अतः आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 30×20 = 600 वर्ग सेंटीमीटर, या जिसको हम वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका, समझाने का तरीका और छोटी छोटी बातों को बताने का तरीका अच्छा लगता है, जैसे कि आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं, तो आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहें, जो कि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल चुका हूँ। मैं जो मेरा वीडियो बना रहा हूँ वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड ब्रेकअप ऑफ सिलेबस के हिसाब से वीक वाइज बनाता जा रहा हूँ। तो आप जिस वीक का कोर्स चल रहा हो उस वीक के आप वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको धीरे धीरे पूरी नॉलेज होती चली जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले और भी मेरे वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।